हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये एक चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आपने अपना पैसा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कहीं पे भी डाल रखा है और जो बिल्डर है वो प्रॉपर्टी को बना नहीं रहा है और अभी तक प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, और आगे जो है मिलने की संभावना भी बहुत कम दिखती जा रही है, क्योंकि जो आजकल हालात है रियल एस्टेट सेक्टर के वो बहुत ही गंभीर बने पड़े हैं। तो अगर आपके ऐसा केस है तो आपको क्या करना चाहिए कि जो आपका अटका हुआ पैसा है वो आपको वापस मिले। देखिए, अगर ऐसा किसी सिनेरियो है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो आपका पैसा है वो अटक गया है बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में, और बिल्डर जो है प्रोजेक्ट कैंसिल भी नहीं कर रहा और आपको जो है कोई रिफंड प्रोवाइड नहीं कर रहा आज की डेट में। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है ये सारा का सारा पैसा जो है विद इंटरेस्ट वापस मिले। तो देखिए, अभी आज की तारीख में आपके पास तीन चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तीन फोरम्स हैं जो इफेक्टिवली आप आज की डेट में यूज कर सकते हैं। पहला फोरम है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कहीं जगह जो है सेटअप है वो पूरा अच्छी तरह बना नहीं हुई है, एक्ट नया है, और कई जगह जो कोर्ट है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे कोर्ट्स हैं जो डिसीजन तो दे रहे हैं बट उनका एग्जीक्यूशन का कुछ नहीं पता है। ऑर्डर तो आपके फेवर में 3 या 4 महीने में भी आ जाएगा पर उसकी एग्जीक्यूशन का, उसके पालन का कोई पता नहीं है। और रेरा के ऊपर है, रेरा एप्लेट अथॉरिटी, हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट तक बिल्डर जा सकता है आपके अगेंस्ट। तो बहुत सारे फोरम होने की वजह से जो रेरा जो है आज की डेट में इतना इफेक्टिव फोरम नहीं बन सका है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम में अगर आपका केस जो है 1 करोड़ से ऊपर है, यानी आपका जो क्लेम है विद इंटरेस्ट मिला के अगर 1 करोड़ से ऊपर बनता है तो आप NCDRC अप्रूव डायरेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन। NCDRC का फायदा यह है कि सबसे ऊपर वाले फोरम में आप लड़ेंगे केस, उससे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है और NCDRC यानी नेशनल कमीशन जो है वो दिल्ली में है, और इसके जो है बहुत सारे सर्किट बेंचेस बहुत सारी सिटीज में भी हैं। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव फोरम है और इसके ऊपर सीधा सुप्रीम कोर्ट होने के कारण जो आपके लिटिगेशन का टाइम जो आप इधर स्पेंड करेंगे वो मिनिमल हो जाता है। हालांकि यहाँ पे भी 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है डिसीजन आने में, बट अगर आप देखें कि इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होने की वजह से जो है यहाँ पे जो पालन है एग्जीक्यूशन काफी फास्ट जाए, अगर आपको जो है और किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बिल्डर अपील में जाता है, अगर बिल्डर के अगेंस्ट डिसीजन जाता है। तो NCDRC फोरम जो है आज की डेट में बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव फोरम है और मतलब रेरा से बेटर है, और इसमें मतलब 2.5 से 3 साल का टाइम लग जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि अभी जो है रिसेंट अमेंडमेंट आई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अब जो अमेंडमेंट आई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 की, उसमें ये कहा गया है कि जो नेशनल कमीशन की जो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, यानी जो केस की वैल्यू अब नेशनल कमीशन लिया करेगा अभी फ्यूचर में, हालांकि ये एक्ट अभी नोटिफाई नहीं हुआ, तो आज की डेट में तो एक्सेप्ट हो रहे हैं जो 1 करोड़ से ऊपर के आपका अगर क्लेम है तो अब वो जो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है वो 10 करोड़ कर गई है। यानी अब जो है फ्यूचर में NCDRC 10 करोड़ से ऊपर के ही मुकदमे लिया करेगा, 1 करोड़ से ऊपर के मुकदमे सारे स्टेट कमीशन में जाएंगे। तो आज की डेट में नेशनल कमीशन एक बहुत ही अच्छा फोरम है जिससे जो है एग्जीक्यूशन भी काफी फास्ट है और डिसीजन भी ठीक ठाक टाइम में आपको मिल जाता है। तीसरा फोरम मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, ये थोड़ा फोरम डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि आने वाले टाइम में ये वाला जो फोरम है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होना वाला है बिल्डर डिस्प्यूट्स के रिलेटेड। देखिए, 2018 में जो है एक अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट में क्या अमेंडमेंट आई थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड में अमेंडमेंट आई थी जिसमें जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर जो कि कंज्यूमर्स यानी जो भी बायर्स हैं होम बायर को एक फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दे दिया गया था। यानी अब एक भी फाइनेंशियल क्रेडिटर या होम बायर एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बिल्डर के अगेंस्ट इनिशिएट कर सकता है अगर प्रोजेक्ट देने में डिले हुआ है बिल्डर का। तो जो सेक्शन 7 है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड में वो ये कहता है कि जो बायर है होम बायर वो जो है बिल्डर के अगेंस्ट जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग सीधा NCLT में जो है इनिशिएट कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो भी
अगर सपोज उसका 60 लाख का भी क्लेम है या 70 लाख का क्लेम है, तो वो पूरी की पूरी कंपनी जो है दिवालिया घोषित कर दी जाएगी, उस पर मॉरेटोरियम बिठा दिया जाएगा, यानी उसकी पूरी मैनेजमेंट जो है, उस जो ओनर है उसके हाथ से निकल जाएगी। तो इतना इफेक्टिव जो है इसमें विद इन 4 या 5 मंथ्स में ऐसा डिसीजन आ सकता है कि मॉरेटोरियम में आईआरपी अपॉइंट हो जाएगा। आईआरपी मतलब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि जो है इस एनसीएलटी का जो जो भी प्रोविजन है उसमें जो है आईआरपी कंट्रोल करेगा और बिल्डर का जो है पूरा कंट्रोल कंपनी से चला जाएगा। तो इतनी इफेक्टिव है कि बिल्डर को इस केस में सेटल करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी कंपनी से ही हाथ धो बैठेगा। एक क्लेम के चक्कर में वो पूरी कंपनी से हाथ धो बैठ सकता है। तो इतना प्रेशर बनता है इस प्रोसीडिंग्स में। देखिए आने वाले टाइम में ये जो एनसीएलटी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा यूज होगी, और एनसीडीआरसी की क्योंकि लिमिट अब 10 करोड़ से ऊपर होने वाली है और टाइम भी बहुत लगता है, इसकी वजह से जो है अब सारे जो केसेस है वो एनसीएलटी में जाने वाले हैं आगे जो फ्यूचर में है। तो अगर आपका कोई केस है बिल्डर के अगेंस्ट, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है एनसीएलटी रिकमेंड करो, नहीं तो फिर एनसीडीआरसी जल्द से जल्द आप रिकमेंड करो। रेरा अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत सारे एप्लेट फोरम होने के बावजूद बहुत टाइम लग सकता है। तो आपको जो है अभी एनसीएलटी या फिर एनसीडीआरसी जो है रिकमेंड मैं आज कर रहा हूँ कि ये जो है सबसे इफेक्टिव फोरम्स हैं आज की डेट में, एनसीएलटी और एनसीडीआरसी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।